Good morning, student. In this video, I will start chapter 17, which is data handling, class 8. Data handling solve करेंगे. Exercise देखते हैं इसकी 17.1. So first question is, the following bar graph show the different type of trees seen during the walk through the forest. Study the bar graph and answer the following question. ये bar graph दिया है, इसको read करना है और हमें इन questions के answers देने हैं. So first question दिया हुआ है हमें. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द स्केल यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. तो देखिए हम चेक करेंगे क्या है एक्सिस. वन क्या वन यहाँ पे जीरो है तो वन स्केल क्या शो कर रहा है. वन स्केल शो कर रहा है नंबर ऑफ ट्रीज है यहाँ पर. ये नेम ऑफ ट्रीज है जैसे कि नीम का ट्री कितना जा रहा है. कितने ट्री लगे हुए नीम के 30. कोकोनट के कितने ट्री हैं 10. बनियन ट्री कितने हैं 20. तो ये जीरो से फाइव क्या है. फाइव के डिस्टेंस चल रहा है 5 से 10, 10 से 15. तो ये डिस्टेंस कितना है 5 का है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन जो डिविजर है वन जो ब्लॉक है वो शो कर रहा है 5 ट्री को. फिर है विच ट्री वॉज अ मैक्सिमम इन नंबर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. तो देखिए सबसे ऊंची हाइट किसकी जा रही है. सबसे ऊपर जा रही है डियोडार की और ये क्या है 50 ट्रीज है इसके. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके हैं डियोडार. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डियोडार. मैक्सिमम पूछा है तो डियोडार. फिर पूछा गया थर्ड वाले में विच ट्री वॉज मिनिमम इन नंबर. सबसे कम ट्री किस प्लांट के हैं किस ट्री के हैं सॉरी सबसे कम कौन से हैं. तो यहाँ पर है कोकोनट. तो हमारा आंसर हो जाएगा कोकोनट. फाइंड द रेशियो इन नंबर ऑफ बनियन ट्री टू रेट द नीम ट्री. बनियन ट्री कितने देखिए इसमें जो बनियन ट्री है वो है विच इज 20 और नीम ट्री कितने हैं 30. बनियन ट्री है यहाँ पर लिख लेते हैं बनियन और हमें नीम का रेशो निकालना है. ठीक है तो बनियन ट्री हमारे यहाँ पर हैं 20 और नीम ट्री है 30. तो इसको दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2:3 आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है विच टू ट्री आर इक्वल इन नंबर. कौन से दो ट्री हैं जो बराबर हैं. तो देखिए कौन से हैं नीम का और मैंगो का. ये दोनों का देखो बिल्डिंग बिल्कुल बराबर जा रहा है तो नीम और मैंगो. तो नीम एंड मैंगो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी है इसका. ये वाला बार ग्राफ है. रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ. यहाँ पे क्या है मार्क्स दे रखे हैं और ये स्टूडेंट हैं. ये इतने स्टूडेंट के इससे मार्क्स आए इतने से इतने मार्क्स आए. तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है. परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट. जो टेस्ट हुए हैं इसकी परफॉर्मेंस जो के बारे में जो स्टूडेंट्स की है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है. सेकेंड दिया हुआ है इफ द पास मार्क्स आर 50 हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास हाउ मेनी स्टूडेंट हैव फेल. अगर पास मार्क्स जो है बच्चे 50 मार्क्स पे पास हो जाता है इन केस तो कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं. तो देखिए इसमें कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर ये डेटा बना हुआ 30 से जिसके बच्चों के मार्क्स 30 से 39 आए 40 से 49 आए 50 से 59 60 से 69. तो यहाँ पे बोला गया अगर वो 50 पे पास हो जाता है तो कितने बच्चे फेल हुए हैं क्योंकि इनके मार्क्स तो कम आए. तो 20 बच्चों के कितने आए 30 से 39 मार्क्स आए 30 से 39 और 30 बच्चों के कितने आए 40 से 49 मतलब ये फेल हो गए. तो फेल वाले बच्चे कितने हो गए फेल स्टूडेंट 20 प्लस 30 50 और पास कितने हो गए. तो 50 वाला तो पास था ये भी पास हो गया ये भी पास हो गया ये सारे पास हो गए. तो ये देखिए 50 से कितना था 40 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 10 इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 110 स्टूडेंट कितने हुए पास हुए. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 80 और मोर देन मार्क्स. कितने स्टूडेंट थे जिनके 80 मतलब यहाँ और उससे ज्यादा है. तो 80 मार्क्स कितने आए 10 स्टूडेंट्स के और नहीं सॉरी ये 5 है हाफ है इसका और मोर देन 80 10 के. तो दोनों को ऐड कर देंगे 5 प्लस 10 15 हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर इन अ टेस्ट. कितने बच्चों ने टेस्ट दिया. तो टेस्ट दिया देखिए नीम सॉरी सेकंड वाला था. तो कितने बच्चों ने दिया 20 बच्चों ने ये दिया 20 30 देन 40 और 20 35 5 एंड 10. इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160. नेक्स्ट है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज. स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी है. बार ग्राफ दिया हुआ है ये वाला.
सी वाला, तो इसमें क्या है लैंग्वेजेस है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि इतने स्टूडेंट्स ये वाली लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तमिल बोलता है कुछ बच्चे, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बंगाली, मराठी एंड पंजाबी ऑल्सो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्केल, व्हाट इज द स्केल यूज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो स्केल जो है वो क्या कितना डिफरेंस शो कर रहा है, 10. तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवीजन इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट शो कर रहा है. फिर सेकंड क्वेश्चन है विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट. लीस्ट का मतलब है कौन सी जो लैंग्वेज है जो सबसे कम बच्चे बोल रहे हैं, लीस्ट मतलब मिनिमम. तो सबसे कम बिल्डिंग किसकी है, आई थिंक तमिल की है. तो सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, तमिल. तो आंसर हो जाएगा तमिल. हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल, कितने बच्चे हैं जो हॉस्टल में है, तो है 148. What is the ratio of the number of students speaking Punjabi of those speaking English? कितने बच्चे हैं जो पंजाबी और इंग्लिश बोलते हैं, तो पंजाबी बोलते हैं 35. देखिए पंजाबी कहाँ जा रहा है, पंजाबी जा रहा है ये इसके नीचे 35 पे, और इंग्लिश वाला कहाँ जा रहा है, इंग्लिश वाला जा रहा है यहाँ 25 पे. तो पंजाबी 25, इंग्लिश 25, तो उन्हें को 5 के टेबल से काटेंगे, 5 7 35 5 5 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7:5. What is the percentage of students speaking Marathi over the speaking English? जो मराठी बोलते हैं वो 15 है, speak और जो English बोलते हैं वो 25 है. तो कितना है, तो percentage निकालेंगे तो मराठी अपॉन English मल्टीप्लाई बाय 100. 25 के टेबल से काटेंगे, 4 टर्म जाएगा, तो 15 4 60% आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं जो उनकी स्पीड को शो कर रहे हैं कि चीता इतना तेज भागता है किलोमीटर पर आर की स्पीड से, गोरिल्ला है, हॉर्स है, डॉग है, मैन है, टॉर्टोइज है. तो फर्स्ट है हाउ मच फास्टर इज हॉर्स देन अ डॉग, जो हॉर्स है वो डॉग से कितना तेज भागता है. तो हॉर्स का कितना है, हॉर्स का है ये ऊपर जा रही बिल्डिंग, हॉर्स का है 55 और डॉग का है ये यहाँ जा रहा है 46. तो देखिए यहाँ निकालेंगे, हॉर्स का लिख लिया हमने 55, डॉग का 46, फास्टर निकालेंगे, 55 में से 46 से आएगा तो 9 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच फास्टर इज चीता देन अ हॉर्स, चीता का हम लिख लेंगे 95 किलोमीटर पर आ रहे हैं. बार ग्राफ की हेल्प से देखिए चीता कहाँ जा रहा है, चीता की बिल्डिंग जा रही है 95 पे, और हॉर्स की हमने निकाली ली थी 45 थी. तो देखिए कितना फास्टर है, चेक करने के लिए माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, चीता का लिख लिया, हॉर्स का लिख लिया, फास्टर निकालने के लिए माइनस कर देंगे 40 किलोमीटर पर. विच एनिमल इज दी स्लोलेस्ट, सबसे धीरे धीरे कौन चल रहा है, तो देखिए सबसे छोटी कम धीरे धीरे चल रहा है ये टॉर्टोइस, तो हमारा आंसर हो जाएगा टॉर्टोइस. नेक्स्ट है विच एनिमल इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन चल रहा है, तो सबसे तेज चीता चल रहा है, देखिए सबसे ऊंची बिल्डिंग जा रही है चीता. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका द बार ग्राफ शो द मंथली एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर मैंने ई नहीं कराया है, ई वाला एफ कराया, ठीक है. सो रीड द बार ग्राफ शो द मंथली इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ द फैमिली स्टडिंग द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रीड करना है, देखिए यहाँ पे क्या आइटम्स हैं, वो अपनी इनकम को खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है, फूड रेंट क्लोथिंग क्लोथ अदर्स एंड सेविंग्स, और ये क्या अमाउंट, तो वो एजुकेशन पे कितना खर्च करता है 1500, फूड पे करता है 3000, तो ये इसका अमाउंट है. तो फर्स्ट है राइट द स्केल यूज्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है इस पर क्या शो हो रहा है, ये अमाउंट शो हो रहा है, कितने का अमाउंट का गैप है 500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवीजर क्या कर रहा है 500 को शो कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आइटम द फैमिली स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है, सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा किस क्या हो रहा है अमाउंट कहाँ पे जा रहा है, सेविंग में जा रहा है उसका, सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या सेविंग, तो कहाँ पे आएगा उसका मैक्सिमम अमाउंट सेविंग में जा रहा है. इन विच आइटम द फैमिली स्पेंड लीस्ट अमाउंट, सबसे खर्च कम किसमें हो रहा है, सबसे छोटी बिल्डिंग क्या है एजुकेशन, सबसे कम खर्च हो रहा है उसका एजुकेशन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन हो जाएगा. हाउ मच मनी डज द फैमिली सेव पर मंथ, सेविंग कितनी है उसकी 4000, सेविंग की बिल्डिंग देखेंगे कितनी ऊंची जा रही है, सेविंग की बिल्डिंग जा रही है 4000 पे, तो उसकी सेविंग कितनी है 4000. इसके बाद अबाउट द मंथली इनकम निकालेंगे, तो मंथली इनकम निकालने के लिए तो ये सारे खर्चे ही हैं उसके, तो ये उसको ऐड कर देंगे 1500 एंड 3000 और 3250 2000
2500 और 4000, ये सबको ऐड कर देंगे 4000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16250। ये इसकी आ गई मंथली इनकम। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है डेटा हैंडलिंग की 17.1। इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।